हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की रेसिपी है अंडा करी। तो चलिए चलते हैं किचन में। अंडा करी बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। लहसुन, प्याज, टमाटर, हरा प्याज, अदरक, साबुत जीरा, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और अंडा, जिसे मैंने उबाल के छील के रख लिया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लिए हैं और सबसे पहले इसमें हम मसाला पीस के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले प्याज, अब टमाटर, लहसुन और अब अदरक। अब हम इन सबको पीस के एक अच्छा खासा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मसाला हो गया है हमारा तैयार और गैस पे हमने पैन को चढ़ा दिया है और अब हम अंडा को फ्राई कर लेते हैं। अब हम पैन में सबसे पहले तेल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अंडा में टूथपिक से होल कर देते हैं। सारा अंडा में ऐसे ही हम होल कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे अंडा में होल करना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अंडा को डाल देते हैं। अंडा को अच्छे से गोल्डन कलर होने तक हमें इसे फ्राई करना है। एक तरफ से हमारा अंडा जो है हो गया है, इसे हम पलट देते हैं ताकि दूसरे तरफ से भी ये सिक जाए। हमारा अंडा फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। वापस से उसी पैन में हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा हो गया और अब हम इसमें हरा प्याज डाल देते हैं। प्याज हमारा हो गया है और अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक डाल के इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा भून गया है और हम जो पेस्ट बना के रखे थे उस मसाले को डाल देते हैं। अभी इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून गया है और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी को अच्छे से मसाला में मिक्स कर देते हैं और मैं इसमें एक कप पानी डाली हूँ। हमारा जो ग्रेवी है वो अब हो चुका है और अब हम इसमें अंडा डाल देते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देते हैं और अब हम इसे करेंगे सर्व। मैंने अंडा करी को सर्व कर दिया है। अगर आपको हमारा अंडा करी बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।